नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत पसंद किया, लाइक किया। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ चंद बातें शेयर करना चाहता हूं जो पहले वीडियो में मिस हो गई थी। जैसे कि आपको मालूम है, ब्रिटिश पीरियड में दिल्ली में दो फायर स्टेशन हुआ करते थे। सीसी का जो एरिया के फायर स्टेशन था NDMC एरिया में, उसको D1Z एरिया कहते थे, और जो ओल्ड दिल्ली का फायर स्टेशन था उसको क्वींस मैरी के नाम से जाना जाता था। दिल्ली फायर सर्विस में एक ऑफिसर्स क्लब भी हुआ करता था सीसी फायर स्टेशन में। इसके अलावा दिल्ली फायर सर्विस के अंदर हर महीने के सेकंड वेडनेसडे को ऑफिसर परेड हुआ करती थी, और उसके बाद टेक्निकल क्लास भी लगती थी। उस टाइम के जो चीफ थे मिस्टर अडवाणी, वो पहले ऐसे चीफ थे जिनको एडिशनल चार्ज फायर एडवाइज़र का भी मिला हुआ था फर्स्ट टाइम, और हफ्ते में दो दिन वो नॉर्थ ब्लॉक में जाकर फायर एडवाइज़र की ड्यूटी देखा करते थे। जैसे कि आपको मालूम है, उस टाइम जो हमारी सर्विस थी कॉरपोरेशन के अंडर थी, कॉरपोरेशन साल में दो बार टाउन हॉल के सामने एग्जीबिशन लगाया करती थी, मेला फरवरी के महीने में बसंत मेला और अक्टूबर के महीने में गांधी जयंती मेला। इन दोनों मेलों के अंदर हमारे दिल्ली फायर सर्विस के स्टॉल लगा करते थे जो कि हमेशा फर्स्ट आया करते थे। 1971 में जब मिस्टर अडवाणी रिटायर हुए तो उनका स्थान पर मिस्टर RS सुंदरम चीफ बने, रामास्वामी सिंगार सुंदरम। उन्होंने आकर यहाँ पर, पहले दिल्ली फायर सर्विस में बाउजर नहीं हुआ करते थे, उनके टाइम में दिल्ली फायर सर्विस में चार बाउजर आए, दो सेमी स्नॉर्कल आई। इसके अलावा वायरलेस टावर का निर्माण भी उन्होंने ही अपने टाइम में कराया। इसके अलावा उनके टाइम में एक चीफ फायर ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल चीफ फायर ऑफिसर कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं के टाइम में हुई थी। 1981 में जब वो रिटायर हुए तो उनके स्थान पर मिस्टर श्याम सुंदर लाल शर्मा चीफ बने। उनके टाइम में तीन मेजर फायर हुई, एक तो थी गोपाला टावर फायर, जो पहली मल्टी स्टोरी फायर थी जिसमें हेलीकॉप्टर का यूज़ किया गया और 500 आदमी को हमने रेस्क्यू किया था। इसके अलावा LPG बोर्डिंग प्लांट पंजाबी बाग में, और तीसरी लगी थी पंचकुया रोड अंध महाविद्यालय के अंदर। मिस्टर शर्मा को स्पोर्ट्स का काफ़ी शौक था, कहते हैं कि 25 साल लगातार उन्होंने गोला फेंकने की प्रतियोगिता जीती थी। मिस्टर शर्मा के टाइम में दो सीनियर ऑफिसर जो और थे, मिस्टर जिले सिंह और हरि सिंह गहलोत, वो रिटायर हुए थे एज ए डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर। 1983 में मिस्टर शर्मा रिटायर हुए और चार्ज जो था दिल्ली फायर सर्विस का डिप्टी कमिश्नर के पास आया, और ऑपरेशनल चार्ज जो थे वो सरदार जोगिंदर सिंह देख रहे थे। अप्रैल 1984 में मिस्टर SK ढेरी दिल्ली फायर सर्विस में एज चीफ की पोस्ट पे आए। उन्होंने आकर दिल्ली फायर सर्विस में क्या किया, आइए हम उन्हीं से पूछते हैं। आज आपकी मुलाकात एक्स चीफ फायर ऑफिसर SK ढेरी सर से कराते हैं, जिन्होंने 18 साल दिल्ली फायर सर्विस में गुजारे 1984 से लेकर 2001 तक। मेरे साथ मेरे साथी अनिल भटनागर भी आए हैं, आइए ढेरी साहब से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ढेरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। सबसे पहला क्वेश्चन ये है सर कि आपने फायर सर्विस क्यों ज्वाइन करी और कब ज्वाइन करी? ऐसा है कि शुरू से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आर्म फोर्सेज में जाना चाहता था, और मैं अजमेर में पढ़ता था, और जब मैंने कोशिश की कि मैं आर्म फोर्सेज में जाऊं, तो उन्हीं दिनों के अंदर कोई ज्योति स्वरूप मेहता थे जो सब अवसर पोष करके नागपुर से आए थे, तो उन्होंने मेरे फादर के थ्रू मुझे बताया कि कैसा कोर्स है, उसमें तुम अप्लाई करो, एक बार सिलेक्शन हो जाती है तो हो सकता है तुम भी इस फायर सर्विस में आ जाओ। और उस तरीके से हमने दो लड़के थे, एक मैं था, एक मेरा दोस्ता सुंदर सिंह वालीवडिया, हम दोनों ने अप्लाई किया, मेरी सिलेक्शन हो गई किसी तरीके से, पता नहीं कैसे क्यों की उन्होंने, मुझे नहीं समझ आई, और उसकी नहीं हुई, वो जर्मनी सेटल हो गया जाके और मैं हिंदुस्तान में रह गया। हुआ ये था कि हम लोग इन बिटवीन हम दोनों गए थे दिल्ली, अजमेर से दिल्ली आए थे, और प्लाजा के अंदर हम एक पिक्चर देखने गए थे जिसका नाम था द बॉटम ऑफ द सी। उससे पहले एक इंडियन न्यूज रील दिखाते थे वहाँ पे, जिसके अंदर उन्होंने वेस्ट बंगाल फायर सर्विस के
सारी फायर सर्विसेज की मूवमेंट दिखाई थी जो न्यूज रील चलती थी उससे पहले, वो बड़ी इम्प्रेसिव थी। हम लोग दोनों इतने इम्प्रेस हो गए, वो सिकंदर टाइप के हेलमेट पहने हुए उन्होंने और भाग भाग के चढ़ते हैं, कभी पोल से लटक के आते हैं कभी कुछ, तो उसको देख के हमारा दिल किया कि हमें भी इस सर्विस में बहुत बहुत को भूलते हैं इधर चलते हैं। सो इसके बैकग्राउंड में हम लोग वहाँ से पिक्चर खत्म होने के बाद कनॉट प्लेस आ गए। जब कनॉट प्लेस आ गए और कनॉट प्लेस फायर स्टेशन में आने के बाद हमने वो बाहर संतरी खड़ा था उससे पूछा, भैया आपकी डिपार्टमेंट में भर्ती कैसे हो सकती है? तो वहाँ पे एक मिस्टर टीएल वर्मा खड़े हुए थे, सफ़ेद रंग की कमीज और नीले रंग की पैंट पहनी हुई, जो अम्बाला से रिटायर हुए हैं स्टूडेंट फायर ब्रिगेड, और वो वहाँ खड़े हुए थे। और उन्होंने जब हमसे सुना तो उन्होंने कहा ये तरीका है कि आप अप्लाई करो, जिससे हम लोगों ने फिर अप्लाई किया और फिर हम लोग वहाँ से ट्रेनिंग करके आ गया। लेकिन ट्रेनिंग करके तो आ गए लेकिन नौकरी वोकरी कोई मिलती ही नहीं थी, और उसलिए नौकरी नहीं मिलती थी तो दिल्ली फायर सर्विस में, मैं दिल्ली में मेरे पेरेंट्स की ट्रांसफर हो गई थी तब तक, तो दिल्ली फायर सर्विस में दिल्ली में आने के बाद मैंने यहाँ अप्लाई किया। मिस्टर अडवाणी होते थे चीफ फायर ऑफिसर के, जी मेरे बाउंड्री गार्ड के लिए काम करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें, तो मैं रोज़ सवेरे राजेंद्र नगर से साइकिल पर आता था और कनॉट प्लेस फायर स्टेशन में आता था। जो कनॉट प्लेस की तो डॉर्मेट्री है वहाँ मेरी वर्दी टंगी रहती थी, वो आके मैं पहनता था और फिर उसके बाद मैं ड्यूटी पे हो जाता था 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, और शाम को 8 बजे ख़त्म होती थी तो मैं साइकिल पर फिर चलता था वहीं से और पश्चिमियाँ रोड से होता हुआ राजेंद्र नगर पहुँच जाता था। तो ये रूटीन मेरी करीब 9 महीने चली, और उसके बाद जो है मेरे को बाई चांस एक वर्ल्ड एग्रीकल्चर फेयर लगा था यहाँ पे, दिल्ली फायरसेस ने और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक फायर यूनिट सेटअप किया था प्रगति मैदान, और उसकी इनाग्रेशन की थी प्रेजिडेंट आइजनहावर ने, और उस जगह पे एक जीप फायर यूनिट के साथ उन्होंने बना के दिया, और एक गाड़ी दिल्ली फायरसेस की गई हुई थी। सरदार जोगिंदर सिंह थे हमारे उस टाइम जिन्होंने हमारे को वहाँ पर डिटेल किया हुआ था, और उस तरीके से जब हम लोग 4 क्वालिफाइड लड़के वहाँ पे काम करते थे, उसमें से एक ड्राइवर था रिटायर्ड दिल्ली फायरसेस का वो था और एक फायरमैन था, इस तरीके से 6 आदमी का यूनिट हम लोगों ने नाम खड़ा किया, और वो 6 महीने 6 आदमी का यूनिट जो था करीब साल भर हमने नौकरी की, उसके बाद मेरी सिलेक्शन रेवाड़ी हो गई और फिर वहाँ से चले। दिल्ली फायरसेस का माहौल ये था कि बड़ी छोटी सी संस्था थी और अडवाणी साहब की बहुत पकड़ थी यहाँ पे सब सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि अडवाणी साहब पहले चीफ फायर ऑफिसर थे जो कि ब्रिटिशर्स के बाद पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान आए थे लंदन से, और वो यहाँ चीफ फायर ऑफिसर बने थे, तो कानून कायदा बहुत कड़क था उस टाइम। अब वो बात नहीं रही जो दिल्ली फायर सर्विस में है, बिकॉज दिल्ली फायर सर्विस में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ज़्यादा आते हैं, बाकी हर तरह से सारे लोग नहीं आते। 84 में आपने दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन करी, और उस समय के अनुसार ज्वाइन करने के बाद आप दिल्ली फायर सर्विस में आने के बाद आपने कैसा फील किया? दिल्ली फायर सर्विस में जब मैं आया था तो जैसे ही मैं आया, मैं अप्रैल के महीने में आया और कहते सिर मंडराते ही उड़े पड़ गए, और उसके बाद इंदिरा गांधी असैसिनेशन हो गया उसी साल ही, और रॉयट्स हो गए दिल्ली के अंदर, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारी करीब करीब 120 गाड़ियों में से 33 गाड़ियां लोगों ने जला दी। और मुझे अभी तक याद है कि जब कोई फायर कॉल किसी जगह में आग लगती थी तो कोई जवाब नहीं जाता था, तो वो लोग गाड़ी लेके या मोटरसाइकिल लेके हेडक्वार्टर दिल्ली फायर सर्विस आ जाते थे, वो बाहर खड़े रहते थे कि जैसे ही फायर सर्विस की कोई गाड़ी वापस आएगी उसमें साथ में बैठ जाएंगे और फिर उस गाड़ी को लेके अपनी साइड पर जाएंगे और आग बुझाएंगे। तो ये ऐसे हालात थे दिल्ली के अंदर जब 84 रॉयट्स हुए, और वर्कशॉप 24 आवर चलती थी हमारी उस समय, और क्योंकि हिंदू सिख राइट्स हुए थे तो इसके जितने सिख अफसर थे या स्टाफ मेंबर था उनको सबको हमने समेट के हेडक्वार्टर में कर लिया, और उनको ये कहा कि सब आप यहीं से चलाइएगा सब कुछ और आप साइड पे मत जाइए, क्योंकि क्यों प्रवोक करना किसी को बेकार में लड़ाई झगड़े करने के लिए। सो ऐसे हालात थे, क्योंकि जो आप सर राइट्स की बात कर रहे हैं उसमें ऐसा सुना है कि जो भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती थी आग बुझाने के लिए, पहला इंसिडेंट जो है वो एम्स के चौक पे आया था,
और उसमें जो एसटीओ सफदरजंग गए थे उनकी गाड़ी रोक दी थी, और लॉकर और गाड़ी खोल के देख रहे थे कि भी इनके स्टाफ में कोई सिख जेंटलमैन तो नहीं है, ऐसा भी सुना है ऐसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा होता था, इसीलिए हम लोगों ने अपने जी सिख ऑफिसर्स थे जी उन सबको विड्रॉ कर लिया जी सर, और हम नहीं चाहते थे कि हमारी कुलीग जो है, पहले तो हमारी स्टाफ वैसे ही बहुत कम था, और अगर उसमें हमारे में से किसी के स्टाफ मेंबर को इंजरी हो जाए या चोट लग जाए तो फिर हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने सबको उनको अपने पास हेडक्वार्टर में रखा जी सर। सर ऐसा भी है कि इस ड्यूरेशन में डीएफएस के जितना भी ऑफिसर स्टाफ या जो मिनिमम सोर्सेज थी, एक ही गाड़ी से मीडियम कैटेगरी की और कई कैटेगरी की 72 घंटे तक ये चला सिलसिला, दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह पे 72 घंटे तक उन्होंने फायर फाइटिंग की। ऐसा है करीब टोटल 800 कुछ फायर थी जी सर, 800 कुछ फायर थी और हमारे पास 90 गाड़ी थी, तो ऐसी ऐसी फायर भी रही हैं जो कि 3 दिन तक 4 दिन तक फायर चली जी सर, लेकिन एक गाड़ी अपना थोड़ा थोड़ा पानी डालती रही, जैसे बोलते हैं कि छिड़काव करती रही, क्योंकि आग बुझाने लायक तो कैपेसिटी थी नहीं हमारे पास जी सर, तो ऐसे हालात भी थे। अच्छा सर, जब आप आए तो उस टाइम जो सर्विस थी वो एमसीडी के अंडर थी, तो आपने आकर उसको दिल्ली गवर्नमेंट के कर दिया, ऐसा क्यों किया? ऐसा है कि जब मैं आया था 84 के अंदर तो मैं हिमाचल सरकार से आया था, और हिमाचल सरकार से आने के बाद मेरे को जब यहाँ मेरी सिलेक्शन हुई यूपीएससी के थ्रू, और मैं जब दिल्ली फायर को ज्वाइन किया तो मैंने महसूस किया कि म्यूनसिपल अफेयर के साथ इसको चलाना फायर सर्विस को और इसकी ग्रोथ रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर छोटी मोटी चीज़ के लिए हमारा अपने स्टाफ के मेंबर ही जो थे उनको जाके मिल के, उनमें जो म्यूनसिपल काउंसिलर होते थे उनसे वो डिसीजन चेंज करा देते थे, तो मुझे लगा कि ये बहुत मुश्किल होगा कि मैं फायर सर्विस को किसी तरीके से, जैसे मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ और कोई लेजिस्लेशन लाना चाहता हूँ, वो नहीं होने देंगे। इस वजह से मेरी मजबूरी थी कि मैंने उसको कोशिश करके म्यूनसिपल अफेयर से निकलवा के उसको पार्ट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट बनवाया, और जब दिल्ली गवर्नमेंट बनवाया तो उससे पहले मिस्टर मदनलाल पुराना चीफ मिनिस्टर थे, उनसे पर्सनली मिला, उनसे बात की कि साहब मैम चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का फायर सर्विस हो, और उसमें इस तरीके से स्टेट बढ़ रही है, जैसे दिन ब दिन शहर की ग्रोथ बढ़ रही है तो फायर सर्विस भी बढ़ेगी और उस तरीके से इम्प्रूवमेंट होगी और यहाँ फंड्स की कोई कमी नहीं आएगी, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कई दफ़ा तो हाथी भी निकल जाता था, कभी दफ़ा एक चूटी भी अटक जाती थी, तो कई दफ़ा से इसको काम करना बहुत मुश्किल होता था, मालूम नहीं होता था कि आपने कोई रेजोल्यूशन भेजा स्टैंडिंग कमेटी के अंदर वो आज पास हो गया या नहीं पास हो गया, आपने एक इक्विपमेंट रिकमेंड किया 61.5 मीटर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए, वो अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, या जिसको आप कह रहे हैं उसको करेंगे या उसके और किसी आदमी को करेंगे, ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा गवर्नमेंट में इसको ले जाना चाहिए। सर एज HOD दिल्ली फायर सर्विस, आपको क्या डिफिकल्टीज आई और कौन से अच्छे मूवमेंट रहे, और कौन सा इस ड्यूरेशन में कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको, जहाँ आपको खुद फील हुआ अंदर से कि भाई यहाँ मेरे को कुछ डिफिकल्टी आ रही है? नॉट ऑल बट एक दो जो ऐसे खास खास हो। सी, डिफिकल्टी का जहाँ तक सवाल है कि एक तो लेबर लॉ में बड़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ हर चौथे दिन यूनियन वाले ढंडा लेके खड़े जाते थे, आप सीधी करो तो भी, टेढ़ा करो तो भी, दरी बिछा लेंगे, फटाफट जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, आग पे जाएंगे तो बड़े नखरे करके हुए जाएंगे, तो ये सब काम नहीं चलता। एक दफ़ा उन्होंने स्ट्राइक नोटिस दिया, मैंने यूपी फायर सर्विस से सारे ड्राइवर बुला के और यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात कर दिए, और अफसरों को बोला कि तुम लोग फायर पे जाओगे, बाकी स्टाफ वाले तो जाते हैं, जाने दीजिए। हमने इस तरीके से इंतज़ाम किया, और उसके बाद जो यूनियन वाले बैठे हुए थे वो लोग सुबह से शाम तक नारेबाजी करते थे, गुंडागर्दी जिसको कहना चाहिए, ना कोई अपने लीगल हक के लिए करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गंद फैलाना सारी सर्विस के अंदर उस तरीके से, ये बड़ा कॉमन हो चुका हुआ था। उसके बाद मेरी बात हुई पुलिस कमिश्नर से भी कि साहब ऐसे ऐसा है और इस तरीके से हमको ऑपरेशन में शायद कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, तो उन्होंने पुलिस फोर्स पूरी डिप्लॉय कर दी, और जब कोई फायर हुई तो हमने अपनी गाड़ियाँ भेजी और उसके बाद उसके साथ हमने काम कराया। बट एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल सेटअप था वो भी ये चाहता था कि इनकी डिमांड्स को माना जाए
और दूसरी चीज़ें ना हों। और डिमांड को मानने के लिए आपको पैसा होना चाहिए, पैसे के लिए बजट प्रोविजन होना चाहिए, सैंक्शन पोस्टें होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो इस वजह से ये सब झमेले चलते रहे। फिर ड्यूटी आवर्स का जहाँ तक सवाल था, दिल्ली फायरसेस में 72 घंटे कंटिन्यूस ड्यूटी होती थी। मैंने आने के बाद उसको पहली स्टेज के अंदर मैंने उसको 72 से घटा के 48 घंटे किया, फिर 48 से घटा के मैंने 24 घंटे किया। मेरा फ्यूचर प्लान था कि मैं उसको 24 घंटे को काट के 12 घंटे ड्यूटी 12 घंटे ऑफ करूँ, और फिर पांचवी स्टेज में जाके मेरा ये था कि मैं उसको 8 घंटे की ड्यूटी 3 शिफ्ट में देखा। सर, आपके टाइम जब आप आए थे उस टाइम यहाँ पे जो पोस्ट थी फायरमैन की थी, आपने उसको एफओ में कन्वर्ट किया, ऐसा क्यों किया? ऐसा था कि नॉर्मली हमको बड़ी दिक्कत रहती थी पार्सल्स को ऑपरेट करने के लिए, बिकॉज ड्राइवर की हमेशा शॉर्टेज रहती थी, गाड़ी खड़ी हुई है, ड्राइवर नहीं है, वो गाड़ी जा नहीं सकती है। तो इसके साथ साथ मैंने ये देखा कि जो ड्राइवर हैं उनको कोई प्रमोशन का एवेन्यू नहीं है, वो भर्ती होता ड्राइवर और रिटायर होता ड्राइवर। तो दिस इज़ नॉट फेयर प्रैक्टिस। आप गवर्नमेंट का कहना है कि कम से कम 3 स्टेजेस पर प्रमोशन मिलना चाहिए। तो उसको अमलगामेट करके मैंने फायर ऑपरेटर को इसलिए लाया, मैं फायरमैन को और ड्राइवर को दोनों को कन्वर्ट करके मैंने एक पोस्ट बनाई उसकी फायर ऑपरेटर की। अब फायर ऑपरेटर में उसके पास हैवी लाइसेंस भी है, उसके बाद बाकी फिजिकल फिटनेस भी है, और बाकी तो हमको ट्रेन करते थे यहाँ लोगों को। तो वो सब होने के बावजूद जब हमने ये नई प्रैक्टिस शुरू की तो उससे ये हुआ कि जो लोग सीनियर बैठे हुए थे अपने काफ़ी सालों से, उनको अब रैंक प्रमोशन मिला, कोई लीडिंग फायरमैन के रैंक में आ गया, कोई सब ऑफिसर आ गया, कोई स्टेशन ऑफिसर आ गया, और आज की तारीख में वो लोग बहुत खुश हैं। हालांकि बहुत कोर्ट वोटों में झमेले में पड़ा रहा, ये कोई अफसर उसको इंप्लीमेंट नहीं कराना चाहते थे, लेकिन फाइनली नेट सेल रिजल्ट ये है कि आज वो सारे जो हैं दे आर एंजॉइंग द स्टेटस ऑफ ऑफिसर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे मे बी ड्राइवर ओनली, बट वो सब अच्छा कर रहे हैं, उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं और अच्छी इनकी सोसाइटी में इज्जत मान रहे हैं। सर, ऐसे ही आपने कम्युनिकेशन स्टाफ के लिए, पहले टेलीफोन ऑपरेटर्स होते थे कंट्रोल रूम में, उनको आपने एलिवेट करा और ट्रेनिंग देने के बाद रेडियो ऑपरेटर्स करा, तो ऐसा क्यों किया गया सर? ऐसा है कि जब आप एक रैंक स्ट्रक्चर में काम करते हैं तो आपके जितने बाकी विंग हैं वो भी उसी रैंक स्ट्रक्चर में आने चाहिए। तो मैंने देखा कि टेली कम्युनिकेशन जो हमारी बैकबोन है, जिस पहले कॉल उनके पास आती है उसके बाद हमको भेजते हैं, फिर हम ऑपरेशन आगे करते हैं, फिर ऑपरेशन पे स्टेज पे पहुंच के किसी भी साइट पे पहुंच के फिर हमारा कॉन्टेक्ट जो है वो कंट्रोल के थ्रू ही है बना हुआ सारा। वेरी ट्रू सर। वायरलेस हो, चाहे वो टेलीफोन कनेक्शनिटी हो, या कोई रीइन्फोर्समेंट मांगनी है, कुछ करना है, तो मैंने ये महसूस किया कि अगर उनको उसी रंग सेक्टर में लाया जाए जो बाकी की सर्विस में है तो कम से कम दे कैन ऑल्सो ग्रो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और इसी तरीके से आप ये देखिए कि पहले एक पोस्ट होती थी चीफ फायर अफसर की, और चीफ फायर अफसर के साथ मैंने सोचा कि अब डिपार्टमेंट इतना एक्सपेंड कर चुका है कि इनको ऊपर होना चाहिए, तो मैंने डायरेक्टर की पोस्ट की, और डायरेक्टर की पोस्ट करीब करीब 9 दिन में मैंने टोटली क्रिएट करवाई, और उसके साथ मैंने एडिशनल चीफ फायर अफसरों की पोस्टें क्रिएट कराई, डिप्टी कराई, डिविजनल अफसर कराए। तो उससे क्या था कि डिपार्टमेंट जो था वो एक्सपेंशन होने के लिए जो उसको ज़रूरत चाहिए थी वो सब उसको मिल गया। सर, ऐसा जो सुनने में आया है, कहाँ तक ट्रू है वो हमें नहीं पता, कि डायरेक्टरशिप आपको उस जमाने में एलजी साहब दे रहे थे लेकिन आपने मना कर दिया, ऐसा क्यों सर? हाँ, ये बात सही है बिल्कुल, बिकॉज बहुत से हमारे अफसर जो थे या जो यूनियन थी उनको ये लगता था कि डेली साहब का तालमेल दिल्ली सरकार के साथ बहुत अच्छा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बहुत अच्छा है, पता नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मिल के ये इस पोजीशन पे डायरेक्टर की पोस्ट पे आना चाहते हैं। तो उन्होंने एक PALP डाली थी इस केस के अंदर, पर मैंने मना कर दिया था कि मैंने बहुत साल नौकरी कर ली, मैंने करीब करीब 42 साल तक नौकरी की है फायर फाइटिंग के अंदर, इसलिए मैं अब आगे नौकरी नहीं करूँगा, और मैंने बहुत कुछ गवर्नमेंट को करके दिखाया है, इसलिए बाकी लोगों को आना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी वो लोग करें। डायरेक्टर मुझे बनना नहीं, मेरे में दम कम होगा तो मैं बाहर की इंडस्ट्री में भी जाकर कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ क्रिएट कर दूँगा, और मैंने किया। सर, आप दिल्ली फायर सर्विस में एज चीफ फायर अफसर अप्रैल 1984 में आए और नवंबर 2001 तक रहे,
तो ये जो लगभग 17-18 साल का पीरियड है एज एचओडी, आपका ये जर्नी कैसी रही? इसमें आपने क्या क्या सर्विस के अंदर क्या न्यू चीज़ें करी, डेवलपमेंट्स व्हीकल से और फॉरेन ट्रेनिंग और अवार्ड्स, तो जो भी आपके जहन में है उसके ऊपर आप रोशनी डालेंगे सर? जहाँ तक मैं जो मुझे याद पड़ता है कि दिल्ली फायर सर्विस में ये होता था कि अगर कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में ट्रेनिंग के लिए जाना तो खाली चीफ फायर सर्विस जाएगा, कोई कॉन्फ्रेंस में जाना तो चीफ फायर सर्विस जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। तो उस टाइम को मैंने चेंज किया। जब मैं डिपार्टमेंट को बढ़ा रहा था तो मुझे ये था कि अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे एक्सपोजर वाले लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आए, ज्वाइन करें, ताकि उनकी कंट्रीब्यूशन के साथ हम सर्विस को बेटर बना सकें। और मेरा हमेशा एक गोल यही था कि मैं चाहता था कि हिंदुस्तान में नंबर एक फायर सर्विस जो है वो दिल्ली फायर सर्विस होनी चाहिए, और मैंने किया उसको। आप ये देखिएगा कि मैंने करीब करीब 1.5 डज़न अफसरों को अब्रॉड भेज के ट्रेनिंग दिलवाई, उनको एक्सपोजर दिया आपके इंटरनेशनल एक्सपोजर क्या होता है। उसके साथ साथ मैंने दुनिया भर का लेटेस्ट इक्विपमेंट जो था वो सारा इंट्रोड्यूस किया दिल्ली फायर सर्विस के अंदर। उसमें चाहे आप हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म कहें या हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म 61.5 मीटर कहें, मेगरस की गाड़ियां कहें, टर्न टेबल लेडर कहें 50 मीटर तक की या 30 मीटर तक की, या आप इसकी बात करें हाई प्रेशर लो प्रेशर की पंप्स की, वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाए। कटिंग टूल्स एंड ब्रेकिंग टूल्स वो पहली दफ़ा ऐड कराया। थर्मल इमेज कैमरा जो हिंदुस्तान में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था वो मैंने पहली दफ़ा लिया, और वो मुस्लिम कॉर्पोरेशन के टाइम में ले लिया मैंने, हालांकि उनको उस टाइम लगता था कि पता नहीं क्या मैं लूट के कहीं ले जा रहा हूँ। 15 लाख रुपए का उस टाइम का कैमरा आया था, वो आज कैमरा है अप्रॉक्सीमेटली इतना पॉपुलर हो चुके हैं कि अब तुम्हें 1.5-2 लाख में बढ़िया से बढ़िया कैमरा मिल जाता है। तो जहाँ तक एक्सपेंशन का सवाल था, जहाँ तक मॉडर्नाइजेशन का सवाल था, मैंने बीए वैन ऐड की इसके अंदर, जिसके अंदर हमने 40 बीए सेट रेडी अवेलेबल होते थे, और साथ में कंप्रेसर लगा हुआ था जो बिजली चार्ज करता था, और आप अपने उसको वहाँ पे लाइट मैन का काम भी कर सकते थे। मैं बीए सेट को चार्ज करने के लिए भी 40 एक्स्ट्रा सिलेंडर पड़े हुए थे। तो जैसे जैसे फायर पे काम होता था, जिस जिसका बीए सेट खाली होता जाए वो अपना आके रिप्लेस करे सिलेंडर और चला जाए, और उसका सिलेंडर वहाँ भरता। उसके अंदर एक छोटा कंट्रोल भी बनाया हुआ था। मैं उसी में आ रहा हूँ। एक गाड़ी मैंने कंट्रोल वैन की बनाई थी, जो मीडियम सीरियस फायर होती थी उस पर कंट्रोल वैन मूव करती थी, और उसमें हमारा जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो ये था कि कम्युनिकेशन साइड का आदमी बैठेगा और वो कंट्रोल करेगा और उन सबको करेगा, और उसका रैंक जो है ईडीओ के, जैसे मैंने आपसे कहा कि ईडीओ वगैरह होने चाहिए, स्टेशन ऑफिसर होने चाहिए, तो वो लोग उनके साथ तालमेल रखेंगे ऑपरेशन स्टाफ के अंदर और कम्युनिकेशन स्टाफ के अंदर। और जो गाड़ियां बाहर से आ रही हैं या कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसमें विज्ञान भवन था, जैसे दुनिया भर की स्टेट फायर सर्विसेज जो आजू बाजू के थे नज़दीक के, सारे हमने बुलाए, वो सारे आए तो वो सारे आके रिपोर्ट उसको करते थे कंट्रोल वैन को। कंट्रोल वैन वाला फिर CFO को पूछता था जी इसको कहाँ लगाना है, फिर वो उनको बताते थे जी आप उसको लेफ्ट साइड में लगवाइएगा या राइट विंग में लगवाइएगा या उधर लगवाइएगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। वाटर स्टाफ होता था, उसका काम यही था कि डायरेक्ट लाइनें हमको प्रोवाइड करें। लेकिन अब तो धीरे धीरे सब मेरे हिसाब से कोई वाटर इंस्पेक्शन नहीं होती है, कोई अंडरग्राउंड टैंक नहीं देखे जाते हैं, और करीब करीब वाटर स्टाफ भी वाला जो जो प्रोसीजर था वो भी करीब करीब खत्म हो गया। वो ऐसा था कि एक कैट सेंट्रलाइज एम्बुलेंस सर्विस शुरू की थी। पहले इन्होंने शुरू की एम्स के अंदर, इट वॉज हेडेड बाई एन IAS अफसर, और वो IAS अफसर जो हेड करती थी उन्होंने काफ़ी साल तक कोशिश की और फाइनली वो नहीं उसको टेकअप कर। उसके बाद डायरेक्टर जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट थे डॉक्टर दवे, एक प्रोफेसर सिंह थे, और एक मैं था, उनको बुला के मिनिस्ट्री ने पूछा कि जी आप ये चला सकते हैं, तो मैंने कहा जी मैं चलाऊंगा। आप हिसाब लगाइएगा कि मैंने जितने एक सर्विस मैन थे उनके वहाँ से ड्राइवर उठाए जो रिटायर हुए हुए थे, बहुत से रिटायर थे डेविडेंस विंग में से ड्राइवर को उठा के लाए हम लोग वहाँ से, उनको ट्रेन किया और उनको पैरामेडिक के लायक बनाया, और पैरामेडिक बनाने के बाद हमने कैट एम्बुलेंस की इनॉग्रेशन की, और वो इनॉग्रेशन करने के बाद आप हिसाब लगाइएगा कि हमारी सर्विस जो थी वो बहुत पॉपुलर हो गई एज रिगार्ड कैट सर्विस। बिकॉज मुझे याद है कि हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाते थे,
और बल्कि बहुत से लोग मेरे बरखिलाफ थे इस बात पर कि जी हमने क्यों एक नई बीमारी और ले ली, लेकिन मैं सोचता था कि हमारा काम है लोगों के साथ सेवा करना, तो हमारा आग बुझाने में भी सेवा है और एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो हमको साथ होना चाहिए, इसलिए हमने कैट एम्बुलेंस की। बाद में वो फिर काफ़ी सालों के बाद मेरे आने के बाद वो सुना है, फिर एक आई एस अफसर की बात चली गई, उसके बाद जो हुई उनको ऐड करते हैं। वो ऐसा था कि जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर था मोती नगर के अंदर, वो उसकी कैपेसिटी नहीं रही थी अब टू टेक द लोड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग, और जो बाकी लोग आते थे भर्ती होते थे, बाहर से लोग आते थे उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, तो इसलिए उसको अपग्रेड करने के लिए मैंने 50 अफसरों की अकोमोडेशन समेत, जिसमें इंडिविजुअल अफसर भी रह सकते हैं, ऑडिटोरियम है उसके अंदर, इक्विपमेंट है, हर तरह की जगह पर काफ़ी ज़्यादा जगह मैंने गवर्नमेंट से अलॉट करवाई उस काम के लिए। तो पैसमा जो हमने बनाया और आज आपको खुशी होगी जान के कि उसके अंदर जो सब अफसर कोर्स है वहीं पे चलाया जाता है, लेकिन सब अफसर स्टेशनों से कोर्स चलते हैं लेकिन उसकी इम्तहान जो है वो फायर कॉलेज नागपुर ही लेता है, सिर्फ पढ़ाते आप लोग हैं, सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर देती है और उसके साथ वो भी काफ़ी प्रॉस्पर करते हैं। सर, इस 18 साल के दौरान में बहुत एक्टिवली आपने काम करा और सर्विस को इम्प्रूव करा, काफ़ी हद तक ऐसा आपने ठीक करा है, इस बहुत लंबा पीरियड है इस ड्यूरेशन, कई इंसिडेंट्स हुए, कई रिवर्ट्स हुए, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपके जहन में हो जो आपने अटेंड करा हो और उसमें आपको कोई डिफिकल्टी फेस आई हो या कोई प्रॉब्लम फेस आई हो किसी भी तरफ से, फायर फाइटिंग से, रेस्क्यू ऑपरेशन से, ऐसा कोई इंसिडेंट आपके जहन में आता हो? यहाँ तक डिफ़िकल्टी आने का सवाल है, आप ये मत सोच कर काम करिए कि फायर सर्विस के तब बगैर डिफिकल्टी के तो काम होता है, जो काम दुनिया नहीं कर सकती वो काम हम लोग करते हैं, चाहे वो ड्रोनिंग केस हो, चाहे वो आग हो, चाहे वो गैस लीक हो, चाहे वो केमिकल एक्सप्लोजन हुए हो, चाहे वो कंप्लीट हाइड्रोजन प्लांट जो है इसका श्रीराम क्लोरिन फर्टिलाइजर का हो, चाहे वो क्लोरिन लीक हुआ हो क्लोरिन प्लांट के अंदर, सब जगहों पे हम लोग खुद अपनी मदद को करते थे। बिकॉज मुझे याद है कि एक दफ़ा एक सिचुएशन थी कि जो क्लोरीन सिलेंडर लेके गाड़ी आ रही थी और वो रिंग रोड के ऊपर करीब करीब उसका एक सिलेंडर लीक होना शुरू हो गया और उसमें रेड लाइट के ऊपर गाड़ी छोड़ के ड्राइवर भाग गया, वो गाड़ी छोड़ के भाग गया, लेकिन हमारे आदमी जब गए, हम लोग बी एस एड पहन के गए, उस गाड़ी को पहले निकाल के वहाँ से ट्रैफिक पॉइंट से हटा के हम लोगों ने उसको दूसरी जगह ले जाके फिर उसको सील किया किसी तरीके से, और उस तरीके से हम लोग वी आर क्राइसिस मैनेजमेंट भी बने हुए, कैसा भी क्राइसिस उसको मैनेजमेंट करते हैं। आपके घर में उसमें आपको चोट भी लगी? हाँ, मेरी स्पाइन टूट गई थी, कॉलर बोन शोल्डर बोन टूट गई थी और उसमें 9 लोगों की डेथ हुई और वो करीब 3 महीने तक मैं इनवैलिड हो गया था, बेड पे रहता था, लेकिन लोगों की दुआएं थी दोबारा खड़े हो गए और आज बैठ गए। सर, आपके टाइम में एक दिल्ली फायर सर्विस एक्ट भी स्टार्ट किया था? हाँ, वो बहुत पहले शुरू किया था, बिकॉज आपको उसकी बैकग्राउंड बताऊं मैं कि दिल्ली के अंदर एक गोपाला टावर में 1983 में एक बड़ी भारी मेजर फायर हुई और मल्टी स्टोरी की फायर के अंदर हिस्ट्री के अंदर उसका बड़ा भारी नाम है, और अभी बहुत किस्मत की बात है कि इन दिल्ली फायर सर्विस के लोगों ने उस समय किसी की कैजुअल्टी नहीं होने दी, लेकिन हमारे एक अफसर जो थे किशोरी सिंह, वो उनकी डेथ हो गई थी उसके अंदर, वो सिर्फ उनके आई थिंक जो रैंक बैजेस थे उसी को देख के पहचाना गया कि साहब वो किशोरी सिंह साहब भी यहाँ पे आए थे, उनकी डेथ हो। उसके बाद सरकार चाहती थी कि नया कानून, और जब मैं 84 में आया तो मुझे कहा गया कि जी आपने नया कानून बनाना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज पहली बात तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी थी और जो कानून कायदा बनाते थे वो यहाँ से जाने के बाद सेंटर में जाता था, सेंटर से अप्रूव होता था, फिर प्रेसिडेंट की असेंट होती थी, जब तक प्रेसिडेंट से अप्रूव होकर ना आए तब तक वो कानून बनता था, उस प्रोसेस के अंदर काफ़ी टाइम लग जाता था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश करके उसको बनाया। 86 में हम लोग दिल्ली फायर प्रोटेक्शन फायर सेफ्टी एक्ट लेके आए और बाद एक साल के बाद हमने उसमें रूल्स भी लेके आए और फिर हमने उसको प्रैक्टिस में लाया। उस समय करीब 200 बिल्डिंगें ऐसी थी जो अनसेफ थी,
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो बन गई हुई थी और उसमें कोई आग बुझाने का साज सामान नहीं लगा हुआ था, और आग लगती थी तो हमेशा यही डर रहता था कि लोग मरेंगे या हमारे आदमी मरेंगे, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आज मैं खुशी से कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से करीब करीब वो सारी बिल्डिंगों के अंदर जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट सरकार ने अप्रूव करके दी थी वो लगने के बाद हालात बहुत इम्प्रूव। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आप जितने दिन एज ए चीफ फायर ऑफिसर रहे, आपके नीचे जितने भी सीनियर ऑफिसर थे एज ए डिप्टी, उनके साथ आपका कैसा रहा? ऐसा है कि एक टू वे ट्रैफिक होता है। डिसिप्लिन के अंदर रह के आप एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे का मान रखें, ये बहुत जरूरी है। आप किसी को बेकार में पब्लिक में खड़े होकर झाड़ दे रहे हैं या उनकी बेइज्जती करते रहें, ये अच्छी बात है। मैं हमेशा सोचता था कि वो मेरे सपोर्ट सिस्टम हैं, उनके बगैर मैं नहीं चल सकता, और मेरे बगैर शायद वो चल सकते थे पर मैं उनके बगैर नहीं चल सकता था, इसलिए मैंने उन सबको साथ लेके चला। हमेशा एक प्रिंसिपल होता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, दैट कैरी एवरीबॉडी विथ यू, आप सबको साथ लेके चलेंगे तभी आपके जो हार्ड डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगे और उसका बेनिफिट सारी सोसाइटी को। सर, आपके टेन्योर में जब आप शुरू में ज्वाइन करा तो एक समय ऐसा था कि दिल्ली में चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स हर ग्रुप की बननी शुरू हो गई थी, और उसी को देखते हुए आप शायद ये एक्ट लाए थे, और पुरानी बिल्डिंग्स की तरफ भी आपने बहुत केयर करी थी सर। और एक समय ऐसा भी आया आपके टेन्योर में जब जो सर्विस में ऑफिसर्स थे पढ़े लिखे ज़्यादा आने लगे थे तो उन्होंने ग्रेड आई एम आई इंडिया की और अब्रॉड की करनी शुरू करी, और उसमें जहाँ तक सुना है दो अफसर हमारे इंडिया के अंदर पहली बार जो उनका गोविडा अवार्ड है वो लेकर के आए थे, और आपने भी फॉरेन ट्रेनिंग्स के लिए सबको सपोर्ट करा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हिंदुस्तान की फायर सर्विसेज पहली फायर सर्विस थी हिंदुस्तान की जिनको गोडिबा अवार्ड मिला था। वो इसलिए मिला था क्योंकि हमारे लोगों ने क्वालिफाई किया था ग्रेड आई आईएफपी यूके के यहाँ से, और वो जो फर्स्ट रहता था उसको उसका अवार्ड मिलता था। और गोडिबा पंप बड़ी मशहूर कंपनी है, जी सर, बनाती है, वो लोग रिवार्ड देते थे। तो हिंदुस्तान में पहली दफ़ा वो रिवार्ड आया, वो रिवार्ड मेरी वजह से नहीं आया, वो रिवार्ड उन अफसरों की वजह से आया जो लोग क्वालिफाई किए, जिन्होंने मेहनत की और हिंदुस्तान में अपना नाम चमकाया लेकिन दुनिया में अपना नाम चमकाया। जी सर। सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, आपने अपने टेन्योर के बारे में काफ़ी कुछ बताया, और जब आप 2001 नवंबर में रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद आपने कैसा फील करा और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एडवाइजरी या कुछ चीज़ कर रहे होंगे, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे सर। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे ज्वाइन करने में भी रोना धोना बहुत हुआ था और मेरे जाने के टाइम भी रोना धोना बहुत हुआ था। उसके दो रीज़न हैं। जब मैं आया था तो लोगों ने बोला कि बड़ा इनकॉम्पिटेंट आदमी को आप लोग लेके आ रहे हैं, यूपीएससी ने गलत सिलेक्शन किया है, और वो बेकार का आदमी पहाड़ में रहता है, उसको कुछ पता नहीं है शिमला से आके आग शहर की कैसे बुझाई जाती है, मल्टी स्टोरी क्या होता है। तो पहली बात तो मैं मेरी ज्वाइनिंग के ऊपर बता दूँ कि मैं पहला अफसर था जिसने एक आईएएस अफसर से चार्ज लिया था, और मेरे जाने की बारी आई थी तो लोग बोलते थे इस बीमारी को निकाला जाए जल्दी से, तो काफ़ी रोना धोना था। PIL डाली गई मेरे बारे में कि ये डायरेक्टर बन के आना चाहता है, ये है वो है, पर मैंने कहा था मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो मेरा चार्ज जो था, मैंने चार्ज लिया भी आईएएस अफसर के पास से और चार्ज दिया भी आईएएस अफसर। मेरे बाद में या मेरे से पहले ऐसा कोई रिकॉर्ड सर्विस में आपको नहीं मिलेगा कि आईएएस अफसर से चार्ज लेना और आईएएस अफसर को चार्ज देना। तो जहाँ तक मेरी सर्विस का रिकॉर्ड है उस हिसाब से तो मैंने बड़ा क्लियर करके बता दिया। जहाँ तक मेरी रिटायरमेंट का सवाल है, मैं रिटायरमेंट के बाद 5 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बहुत ऑफर हुई, बहुत लोगों ने जॉब ऑफर की पर मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन 5 महीने के बाद एक कंपनी के चेयरमैन जो थे वो मेरे घर आए और उन्होंने बोला जी हमें आपसे बात करनी। मैंने कहा था मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो आपको अपनी कंपनी में ले जाने के लिए आए हैं, और वो जो वो कंपनी थी जयप्रकाश इंडस्ट्री के नाम से। तो मेरे को जो गौड़ साहब थे वो पर्सनली आके मेरे को उन्होंने अपनी कंपनी में लेके गए एज ए डायरेक्टर। मैंने वहाँ पे 2.5 साल काम किया, उसके बाद मैंने वो कंपनी छोड़ दी, और उसके बाद मैंने करीब 16 साल तक DLF में काम किया है, और
डीएनएफ में भी जो मैंने काम किया है वो उसका भी कोई कारण नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैंने 90 मीटर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म ला के दिखाया और ये बताया लोगों को कि हर काम अगर आदमी की नीयत हो तो हो सकता है। और आज आप देखिएगा 3 इंडिपेंडेंट फायर स्टेशन चला रहे हैं वहाँ डीएनएफ वाले, कम से कम 200-250 आदमी हैं जो जिनकी एम्प्लॉयमेंट है, 253 या 254 फायर क्वालिफाइड फायर अफसर डीएनएफ में काम करते हैं आज की तारीख के अंदर, विच इज़ नॉट ए जोक। इतनी स्ट्रेंथ शायद किसी रेगुलर फायर सर्विस में अफसरों की नहीं होगी जो हमने डीएनएफ के अंदर लगा रखे हैं। लेकिन देयर इज ऑलवेज ए स्कोप एंड बेटरमेंट फॉर एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। में जहाँ हम पहुँच गए हैं डीएनएफ में उससे ऊपर भी और जाया जा सकता है। हमने थर्ड पार्टी ऑडिट का कॉन्सेप्ट शुरू किया वहाँ पे, विच वी हैव नाउ ब्रॉट इट एज ए चेयरमैन ऑफ द नेशनल बिल्डिंग कोड इन NBC ऑल्सो। उससे ये है कि कम से कम आपको हमेशा पता रहेगा कि आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है, वेयर डू यू स्टैंड एज रिगार्ड योर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स आर कंसर्न्ड। सो उस हिसाब से आप देखें तो आई एम वेरी वेरी कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड एंड आई कंटिन्यू टू हेल्प कीप हेल्पिंग पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग देयर कैरियर। सर लास्ट क्वेश्चन, आपका इतना रिच एक्सपीरियंस है, कहाँ से कहाँ कहाँ से कहाँ और कई प्रॉब्लम्स फेस करी आपने यूनियन को औरों को, तो आप जो आने वाली जनरेशन है नई जनरेशन और डेवलपमेंट काफ़ी हुई है स्टडी के हिसाब से क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो आने वाली जनरेशन को किसी भी रैंक को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर? देखिए मेरी बड़ी एडवाइस क्लियरली रहती है कि गो बाय रूल्स रेगुलेशन एंड डोंट बाईपास रूल्स रेगुलेशन। नंबर टू, बी डेडिकेटेड टू योर जॉब एंड बी ऑनेस्ट टू योर जॉब। आप ईमानदारी से अपनी नौकरी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ईमानदारी से अपनी परफॉर्मेंस दे के जाएंगे तो रिटायरमेंट होने के बाद ऊपर वाला आपका कोई ना कोई इंतजाम कर देता है, मेरा किया इसलिए बाकी का भी करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। आप देख रहे थे श्री एस के डेरी को। एस के डेरी सर के टाइम में 3 मेजर फायर हुई थी, एक विज्ञान भवन में, अंसल भवन में और सदर बाजार के अंदर। मिस्टर डेरी के टाइम में फायर परमिशन विंग और मल्टी स्टोरी सेल का भी स्थापना दिल्ली फायर सर्विस में की गई। इनके टाइम में जो परेड कुछ टाइम के लिए रिपब्लिक डे परेड में दिल्ली फायर सर्विस की बंद हो गई थी, दोबारा शुरू कराई गई। इनके टाइम में जो सीनियर ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस के जो रिटायर हुए, 1985 में सरदार जोगिंदर सिंह, 1988 में आर के भारद्वाज, 1989 में जेसी शर्मा और 1994 में मिस्टर गुलशन जग्गी। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगली वीडियो के अंदर मैं आपकी दिल्ली फायर सर्विस की 2 और शख्सियत मिस्टर आरसी शर्मा और AK शर्मा से कराऊंगा। तब तक के लिए मैं हरिंदरजीत सिंह, मेरे साथी अनिल भटनागर के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।